हेलो फ्रेंड, यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख सूचनाओं को आपसे साझा करेंगे। पीसीएस 2020 को लेकर आवेदन प्रारंभ हो गया है और रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण भी हो रहे हैं। अगर आप पीसीएस का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप बोर्ड की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर विजिट करिए और अपना फॉर्म फिलअप करिए। 3 स्टेप का फॉर्म है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट करना है और उसके बाद फॉर्म सबमिट करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अदालतों के सभी आदेशों को 10 मई तक बढ़ा दिया गया है। उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के कारण दोबारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के मद्देनज़र प्रदेश की सभी अदालतों और अधिकरणों के अंतरिम आदेशों को अब 10 मई तक बढ़ा दिया है। जो मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति समित गोपाल की विशेष खंडपीठ ने 19 मार्च को जनहित याचिका कायम कर अगले एक माह के दौरान समाप्त होने वाले सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 26 अप्रैल के लिए बढ़ाई थी और लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के कारण उच्च न्यायालय ने एक बार फिर सभी प्रकार के अंतरिम आदेशों को 10 मई के लिए बढ़ा दिया गया है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि जो भी आदेश अगले आदेश तक निर्भर हैं उन पर अगला कोई असर नहीं पड़ेगा, वे जारी रहेंगे। मुकदमों की सुनवाई हो रही है, बहुत जो इमरजेंसी केस है उन्हें ही सुना जा रहा है, सामान्य केसेस नहीं सुने जा रहे हैं और वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश ऐसा है जो बिना इंटरनेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में प्रदेश के जिला न्यायालयों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई होगी। इसके लिए इंटरनल कनेक्टिविटी से व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा TGT और प्रवक्ता का रिप्लेसमेंट है वो भी कोरोना की वजह से फंस गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से TGT प्रवक्ता के पद पर चुने गए 800 से अधिक चयनित शिक्षकों का प्लेसमेंट फंसा हुआ है। इन पदों का परिणाम जनवरी के बाद घोषित किया गया था। रिजल्ट जारी होने के बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ने के कारण चयनित शिक्षकों को प्लेसमेंट नहीं मिल सका है, तो कहीं ना कहीं इसका भी यहाँ पर भी कोरोना का प्रभाव दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है। SC ST कोटे में अब क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने के लिए कहा है, क्योंकि 70 वर्ष से फायदा एक विशेष वर्ग ही SC ST में ले रहा है। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि सरकार SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करे। जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ चुके हैं, धनी हो चुके हैं, उन्हें अब शाश्वत रूप से लगातार आरक्षण देना जारी नहीं रखा जा सकता। इस वर्ग की वजह से ज़रूरतमंद गरीब तक आरक्षण नहीं पहुंच पा रहा है। जिस प्रकार OBC में भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होता है, उसी प्रकार इन वर्ग में भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई विचार है। पीठ ने ये टिप्पणियाँ अनुसूचित क्षेत्रों में ST वर्ग को 100% आरक्षण देने की आंध्र प्रदेश के फैसले को रद्द करते हुए दो दिन पूर्व की। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने कहा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की सूची बनाते हैं और ये सूची इतनी पवित्र और अपरिवर्तनीय नहीं है, तो कल्याण के उपायों की समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए ताकि बदलते समाज और आर्थिक हालात में इसका फायदा सभी को मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 70 वर्ष से फायदा सिर्फ धनी वर्ग समेट रहा है, मतलब एक ऐसा वर्ग है SC ST के अंतर भी जो अधिक आरक्षण लेकर बहुत आगे पहुंच चुका है और जिसको अब आरक्षण लेने की जरूरत नहीं है, तो इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। साथ ही साथ अब शैक्षिक चैनल के लिए स्वयं से मदद लेंगे। घर से पढ़ाई करवाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी अब अपने शैक्षिक टीवी चैनल शुरू करने की तैयारी कर रही है और प्रदेश सरकार की ओर से इस बाबत जो है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र भेजा गया है। इस पत्र में यूपी सरकार ने अपने शैक्षिक टीवी चैनल को शुरू करने के बारे में जरूरी औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए मार्गदर्शन भी मांगा है और यह जानकारी जो है दिनेश शर्मा जी ने दी है। इस शैक्षिक टीवी चैनल के प्रसारण से में उच्च शिक्षा के ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित करने का एक प्रमुख पोर्टल स्वयं को भी मदद ली जाएगी। ये पोर्टल यूपी सरकार के इस शैक्षिक टीवी चैनल का कंटेंट प्रोवाइडर बनेगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक अपना चैनल हो जिसके माध्यम से वो सूचनाएं साझा करेंगे एजुकेशन के संदर्भ में, ठीक है। थैंक यू।